हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज तारीख है 17 जनवरी 2023। तो हम फिर से आ चुके हैं ग्वालियर का व्यापार मेला देखने के लिए। तो हम चलते हैं मेले की तरफ और देखते हैं मेले में क्या क्या नया आ चुका है। गाइस वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि हमने आज पूरा मेला कवर कर लिया है, हर एक छतरी कवर कर ली है, हर शोरूम कवर कर लिया है, कहाँ कहाँ क्या क्या लगा है हम इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा दिखा देंगे। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना और लास्ट तक पूरा का पूरा देखना। तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, सारे के सारे ये शोरूम कंप्लीट हो चुके हैं। जो आपको बड़े वाले गेट से अगर आप एंटर करते हो तो वहाँ से ये शोरूम आपको मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ और देखते हैं गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, कार सेलिंग हो रही है। ये देखिए गाइस, कस्टमर काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आप भी ग्वालियर का व्यापार मेला आना चाहते हैं तो गाइस जल्दी कीजिए, यहाँ से अपने सपनों की गाड़ी को ज़रूर लीजिए। तो मैं आपको बता दूं गाइस, ग्वालियर में 3-4 दिन से सर्दी ज़्यादा ही पड़ रही है गाइस। तो इसलिए अगर आप ग्वालियर का व्यापार मेला घूमने आते हैं और यहाँ से रात को निकलते हैं तो आप अपने साथ सर्दी का पूरा सामान लेके आइए। तो जैसा कि गाइस आप देख रहे हो, सामने KTM का शोरूम भी कंप्लीट हो चुका है गाइस। इसमें KTM की गाड़ी आ चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर 125, 390, RC, सारी KTM की गाड़ी यहाँ पर आ चुकी हैं। तो अगर आपको भी यहाँ से KTM परचेस करनी है तो आपको 8,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि 125 KTM RC पर मिल रहा है। तो गाइस जल्दी कीजिए, यहाँ से अपने सपनों की गाड़ी को जरूर लीजिए। तो बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, बुलेट का शोरूम भी आ चुका है, पूरा का पूरा फुल तैयारी में, बस आने की देर है तो वो सिर्फ आपकी। तो बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ। तो गाइस जैसा कि बजाज का शोरूम भी आ चुका है गाइस, हीरो का शोरूम भी आ चुका है, तनुष्का हीरो गाइस। तो जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, काफ़ी मात्रा में यहाँ पर शोरूम आ चुके हैं। ये देखिए गाइस, ऑडी का भी शोरूम कंप्लीट हो रहा है गाइस। कुछ दिन पहले यहाँ पर काम चल रहा था, अब थोड़ा थोड़ा कंप्लीट हो रहा है। BMW का भी गाइस कंप्लीट होने लगा है। तो जल्दी इनमें आपको गाड़ियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी और हम इसका वीडियो भी जल्दी अपलोड कर देंगे। तो जैसा कि गाइस आप देख रहे हो गाइस, सारे के सारे शोरूम कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ शोरूम रह गए हैं जिन पर काम चल रहा है और वो जल्द ही जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, टोयोटा की कार यहाँ खड़ी हुई है। ये देखिए गाइस, ब्लैक पैंथर यानी कि ब्लैक थार, जो सबके दिलों पर राज करती है गाइस। ये देखिए गाइस, यही है RTO का ऑफिस, यहीं से आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, 50% RTO डिस्काउंट। तो जैसा कि गाइस हमने आपको कार के शोरूम, बाइक के शोरूम सारे दिखा दिए, अब मेले के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं मेले की शॉप और वहाँ की भीड़ भाड़। तो जैसा कि गाइस आप देख रहे हो, यहाँ पर ये शॉप कंप्लीट हो चुकी हैं, जैसा कि कुछ शॉप रह गई हैं जो कंप्लीट हो जाएंगी क्योंकि मेला गाइस धीरे धीरे लगता है।
आपको बताऊं, मेला गाइस ख़त्म हो जाता है और शॉप बनती रहती हैं। यही है ग्वालियर की के मेले की खासियत, लोग आते रहते हैं गाइस। जैसा कि देख रहे हैं आप सामने, ये शॉप भी अभी कंप्लीट चल रही है, क्योंकि गाइस ग्वालियर का मेला सबसे बड़ा मेला है। जैसे कि मुरैना, धौलपुर, ये साले जो भी जितने भी मेले चल रहे हैं जगह जगह, जो मेले ख़त्म हो जाते हैं तो वहाँ से वो सारे के सारे ग्वालियर में आके जुड़ जाते हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही मुरैना का मेला ख़त्म हुआ है, तो वहाँ के सारे दुकानदार अब ग्वालियर की तरफ आ रहे हैं। तो गाइस ऐसे ही जगह जगह मेले लगते हैं, तो वहाँ के सारे दुकानदार ग्वालियर के मेले में आ जाते हैं। जितने भी मेले हैं वो जब ख़त्म होते हैं, तो ग्वालियर का मेला गाइस 3 महीने तक चलता है, यानी कि मार्च तक चला जाता है, जो कि सबसे बड़ा मेला है। इसलिए गाइस इसमें शॉप लगती रहती हैं, निकलती रहती हैं, और ये मेला ऐसे ही चलता रहता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये गाइस शोरूम अभी कंप्लीट हो रहा है। इसके अगल बगल जो शोरूम है LG का, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, पर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ये शोरूम कम से कम 5 से 10 दिन खा जाएगा, मतलब ये 5 से 10 दिन में कंप्लीट होगा। वही सामने आप देख रहे हो मनी सेल्स का शोरूम पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, वो सामने भी शोरूम कंप्लीट हो चुका है। ऐसा ही गाइस ये देखिए, ये शोरूम भी कंप्लीट चल रहा है काम। ऐसे ही गाइस ये मेला थोड़ा धीरे थोड़ा 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 करके लगता रहता है, और जब ये पूरा लग जाता है तब ये अलग ही देखने में अलग ही मज़ा आता है गाइस। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है गाइस, अभी भी भीड़ है गाइस। जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, ये भी शोरूम पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, और जिसके सामने आप देख रहे हो गाइस बाबा सूप, गाइस यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ लगी थी गाइस। तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, और आपको दिखाते हैं मेले की सारी शॉप, जो कि हमने बोला था कि आपको पूरा का पूरा मेला घुमा देंगे। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, यहाँ पर खेल हो रहा है गाइस, आप भी आइए यहाँ पर खेल सकते हो गाइस। जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, राजस्थानी जयपुरी, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा गाइस। ग्वालियर का व्यापार मेला जयपुर हैंडलूम, सारा का सारा सामान आपको मिल जाएगा, और आप भी राजस्थानी चीज़ों का जयपुर का शौक रखते हैं, जो कि 5 नंबर छतरी पर लगा हुआ है। तो बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ और देखते हैं ग्वालियर का व्यापार मेला। तो जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, ग्वालियर के व्यापार मेले में आपको हर प्रकार का सामान मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। जैन स्टील, यहाँ पर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। 4 नंबर छतरी पर देखिए गाइस कितनी मात्रा में भीड़ है गाइस। जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, हर जगह सैलानी भरे पड़े हैं। कश्मीर आर्ट, यहाँ पर भी आप देख रहे हो गाइस, गर्ल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया है। तो बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस, सारी की सारी शॉप कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर 4 नंबर छतरी पर गाइस। मुझे कोई भी ऐसी शॉप नहीं लग रही जो कंप्लीट नहीं है। लुधियाना वाले जो कि अपना
तो जैसा कि आप गाइस देख रहे हो सामने की तरफ घर संसार, यहाँ पर ही आपको सारा घर का सामान मिल जाएगा। तो हम बढ़ने वाले हैं अब झूला सेक्टर की तरफ गाइस। हाँ गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो झूला सेक्टर है, पर हम आपको झूला सेक्टर थोड़ा बाद में दिखाएंगे। पहले चलते हैं थोड़ा भूत बंगला की तरफ, देखते हैं वहाँ पर कितनी क्या पब्लिक खड़ी हुई है। मद्रास कैफे गाइस, जैसा कि मद्रास कैफे के जस्ट बगल से है मद्रास क्रॉकरी, और उसी के बगल से बना हुआ है अपना भूत बंगला। हाँ गाइस, भूत बंगला जिसका टिकट मात्र 40 रुपये रखा गया है। तो आप भी आइए अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर आके आनंद ले सकते हो। तो हम आ चुके हैं अब गाइस झूला सेक्टर की तरफ। गाइस चलो अब आपको झूले की लाइट्स वगैरह सारे के सारे झूले दिखाते हैं, और आपको ग्वालियर का व्यापार मेला घुमाते हैं पूरा का पूरा। तो जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, झूले में लाइट अलग ही शानदार करी जाती है, भोपाली पान दरबार, जो कि आपको झूला सेक्टर में मिल जाएगा अगर आप भी पान खाने के शौकीन हैं तो। तो बढ़ते हैं हम थोड़ा आगे की तरफ गाइस। जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, झूला सेक्टर में सबसे ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिलती है गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग झूले देखने के लिए आते हैं। जैसा कि आप गाइस देख रहे हो, सामने लोग भी झूला झूल रहे हैं। जैसा कि ये बच्चों का झूला है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, झूलने दो, चलता है। चलो बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ। गाइस आप देख रहे हो सामने लाइटिंग। हाँ गाइस, झूलों में खास रहती है लाइट, इसका काफी ज्यादा ख्याल रखा जाता है जिससे रात में सैलानी इसकी तरफ देखकर आए। जैसे कि आप देख रहे हो गाइस, हर जगह लाइट ही लाइट लगी हुई है। गैन सुपर सॉफ्टी आपको ये झूला सेक्टर में मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, लाइट किस प्रकार से लगी हुई है ये देखिए गाइस। अगर आपने ये वाले झूले का भी आनंद नहीं लिया तो जल्दी कीजिए गाइस, 26 नंबर छतरी पर आइए, और ये सारे झूले हैं यहाँ पर, आप इन सबका आनंद ले सकते हो गाइस। जैसा कि आप गाइस देख रहे हो सामने की तरफ, ये नया झूला आया हुआ है जो कि ग्वालियर के व्यापार मेले में आपको मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए गाइस, जल्दी आइए और आप झूलों का आनंद ले सकते हो ग्वालियर के व्यापार मेले में, जो कि 26 नंबर छतरी पर आपको मिल जाएगा, जो कि झूला सेक्टर में। तो बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं और थोड़ा अपडेट क्या क्या चीज़ें और लगी हुई है। जैसा कि गाइस आप देख रहे हो जंपिंग वाला, ये अगर आपने झूला नहीं है तो गाइस आइए यार, खतरों के खिलाड़ी वाला आइए। आपको अगर आपको भी शौक है खतरों के खिलाड़ी तो आके झूल सकते हो गाइस। मिनी अप्पू घर, जैसा कि आप सामने देख रहे हो गाइस, मिनी अप्पू घर में छोटा हॉन्टेड हाउस भी बनाया गया है। तो जल्दी कीजिए यार, आइए अपने फैमिली अपने फ्रेंड के साथ, और आपके बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है यहाँ पर। तो देर मत कीजिए, जल्दी आइए ग्वालियर का व्यापार मेला। तो मैं आपको बता दूं गाइस, ग्वालियर के व्यापार मेला फायर पान फायर बिस्कुट काफ़ी मात्रा में आया हुआ है, तो इनका भी आप आनंद ले सकते हो गाइस। जैसा कि आप सामने देख रहे हो मौत के कुआ, इनका तो हमने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है गाइस। दोनों के दोनों दो मौत के कुआ आए हैं ग्वालियर के व्यापार मेले में, इन दोनों का वीडियो हमने अपलोड कर दिया गाइस। ये वाले का भी कर दिया और जो सामने है उसका भी कर दिया है गाइस। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोनों के दोनों वीडियो हमारे चैनल पर डले हुए हैं, हमने पूरा का पूरा मौत के कुआ कवर किया हुआ है उन दोनों वीडियो में। बहुत ही बारीकी तरीके से आपको दिखाया हुआ है कि गाड़ी कैसे, लड़की गाड़ी कैसे चलाती है, लड़की कार के ऊपर कैसे आती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक